नमस्ते, मेरा नाम चंद्राराम है। मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल बालेश्वर में कक्षा 10th में अध्ययनरत हूँ। मैंने डिजिटल बाल मेला प्रतियोगिता 2020 में भी भाग लिया था और अभी 2021 में भी भाग ले रहा हूँ। बच्चों की सरकार कैसी हो, इस मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। उससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि ओलंपिक्स में अपना भारत पीछे क्यों रह जाता है। बाकी देशों की बात करें, अमेरिका ने अभी तक 2800 से भी ज़्यादा मेडल जीत लिए हैं, जर्मनी ने 800 से भी ज़्यादा, फ्रांस से 700 भी ज़्यादा, और बात करें 140 करोड़ आबादी वाले अपने भारत की, तो अभी तक इतिहास में 35 ही मेडल जीत सका है। इसका कारण है, सरकार ने 50 करोड़ से भी ज़्यादा शिक्षा पर बजट खर्च कर रहे हैं और 2.5 करोड़ से भी कम खेल पर खर्च कर रहे हैं। इसी कारण से हमारे देश के युवा आगे न बढ़ पाते हैं और वे अपने सीमित ही रह जाते हैं। खेल के प्रति इतनी उत्सुकता न उत्पन्न होने के कारण हमारे युवा पीछे रह जाते हैं। अगर हमारे युवाओं को एक ऐसा पड़ाव मिल रास्ता अपना मिल जाए जिसके माध्यम से वे एथलीट बन सके। बात करें हमारे शहरों और गांवों की, तो सभी पेरेंट्स को पता है कि एक ही गेम होता है जो कि क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा और कोई गेम नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि अनेक गेम होते हैं। हमारे मेरा एक प्रश्न है कि आप बताइए कि टॉप 10 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए, तो आप सभी फटाफट बता देंगे। परंतु अगर पूछ लिया जाए कि टॉप 10 एथलीट के नाम बताइए, तो एक भी नहीं हम बता सके, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि और भी गेम होते हैं। इसका कारण हो सकता है कि स्कूलों में फोकस नहीं किया जा रहा है। मेरा हाथ जोड़ के खेल मंत्री से निवेदन है कि वे स्कूलों में खेल के प्रति उत्सुकता और प्रागण दे, जिससे स्कूलों में खेल की रुचि बढ़े और आगे बढ़ सके। स्कूल ही वो माध्यम है जिससे हमें एथलीट में युवा मिल सकते हैं। अगर मुझे डिजिटल बाल मेला प्रतियोगिता में पूछ लिया जाए कि आप आगे बनकर राजनीति में कौन सा पद हासिल करना चाहेंगे, तो मेरा वही जवाब रहेगा, खेल मंत्री। खेल मंत्री में बनकर सभी स्कूलों में ऐसे नियम और ऐसे अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करूंगा जिससे खेल के माध्यम से हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आदि पुरस्कार प्राप्त हो। अगर बात करें 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, तो नीरज भाई ने स्वर्ण पदक जीता और मीराबाई सानू ने भी स्वर्ण पदक जीता। ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इसी हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात करूं, तो हॉकी पेरेंट्स को पता नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी इतना पॉपुलर गेम था, परंतु अभी इसमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट पॉपुलर बन रहा है, हॉकी को मान्यता कम हो रही है। मैं खेल मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि आगे से आगे ये मेरा वीडियो शेयर करें और खेल के प्रति अपना विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय हिंद।